हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2024 कक्षा नवीं विषय गणित का आपका जो आपका 23 तारीख को होने वाला है गणित का त्रैमासिक परीक्षा का कंप्लीट सॉल्यूशन सहित पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर 75 अंक आपका पेपर आएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 30 अंक में। और प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक जो होगा क्वेश्चन 2 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 अंक का क्वेश्चन होगा। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक 4 अंक के प्रत्येक प्रश्न होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव होगी। तो सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। दूसरा दिया गया, बहुपद 4x/4 प्लस 0x/0x+5x+7। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो अ नंबर को ऑप्शन इसका आंसर होगा 4, इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा दिया गया है, बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरे का राइट आंसर जो अ नंबर को ऑप्शन है जो हो जाएगा, यहाँ पर किस चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। 2-1 किस चतुर्थांश में हो जाएगा, यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश में। इसके बाद चौथा, समांतर ax+by+c=0 के रूप में समीकरण को कहते हैं। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, आ नंबर को ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा दिया गया है, यदि आप इसका योगफल करेंगे 4/5 और 1/5 का, तो यहाँ पर इसका जो योग हो जाएगा 1 हो जाएगा। द नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। छठवा दिया गया, 729/1/3 की घात का मान होगा, तो 9 होगा। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे, कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 729 को हम 9 का घन लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1/3 की पावर पहले से घात के ऊपर घात है, तो घातों का आपस में गुणा होगा, तो 3 से 3 कट जाएंगे, 9/1 की घात का मान 9 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 अंक में पूछी गए। पहला है, रेखीय बहुपद की चर की अधिकतम घात होती है। तो चर की अधिकतम घात आपको ध्यान रखना है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। दूसरा, खाली स्थान में बहुपद 5x+2 का शून्य है। तो जब भी आपको शून्य ज्ञात करना है, तो जो भी बहुपद है बहुपद के बराबर आप 0 लेंगे। यहाँ से आप एक्स का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले +2 का पक्षांतर करेंगे, -2 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप एक्स का मान निकालेंगे, तो -2/5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्य का मान -2/5 होगा। तो इस प्रकार से जो है आप दूसरे खाली स्थान में -2/5 लिखेंगे। इसके बाद तीसरा दिया गया है, बहुपद x^(-x^2+1) में x^2 का गुणांक। यदि आप x^2 का गुणांक निकालेंगे, तो -1 होगा तीसरे का आंसर। इसके बाद चौथा दिया गया, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। चौथे खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। इसके बाद पाँचवा है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो ध्यान रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक 0-0 होते हैं। इसके बाद छठवा, यदि आप इसको सॉल्व करें तो आंसर 4 हो जाएगा। सत्य पूछे गए हैं। पहला, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा दिया गया, प्रत्येक पूर्ण संख्या, सॉरी यहाँ पर दूसरा, एक घन में कुल 8 सीट्स होते हैं। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीसरा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो यह, तो यहाँ पर यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा दिया गया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा दिया गया है, यहाँ पर शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि शंकु गोलाकार आकृति नहीं होती है। छठवा है, दो चरम वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ियाँ जो पूछी गई हैं इस प्रकार से, पहला है, 0.85+1.25, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी नंबर का ऑप्शन होगा, 0.40। दूसरा है, -216/6, तो इसकी सही जोड़ी आप ए नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, -36 होगा। तीसरा है, -2×-3.5, तो तीसरे की सही जोड़ी आपको ई नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, 7 इसका आंसर होगा। इसके बाद चौथा दिया गया है, 7.5+4.5, तो चौथे की सही जोड़ी आपको एफ नंबर के ऑप्शन से मिलाना, -3 होगा। पांचवा दिया गया है, 5/4,
तो पांचवें की सही जोड़ी आपको सी नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, 1.25। छठवा दिया गया है यहाँ पर इस प्रकार से 2.4/10, तो इसकी बी नंबर के ऑप्शन से मिलाना है 0.। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला दिया गया है 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान होगा। तो यदि आप संख्या 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 के बाद एक संख्या है तो 50 हो जाएगा। दूसरा दिया गया, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद की घात जो होती है 1 की होती है। इसके बाद तीसरा है, 101 का घन का मान क्या होगा? तो यहाँ पर यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा दिया गया है, यहाँ पर 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखे। तो 0 व 1 के बीच परिमेय संख्या 1/2 हो जाएगी। पाँचवा, 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो 7/8 का जो दशमलव प्रसार होगा वह 7 दशमलव होगा। छठवा है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? एक पदीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पदीय बहुपद कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 6, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं, अथवा में इस प्रकार से घात पूछी गई है। तो छठवे के अथवा को जो आपको सॉल्व करना है, इसमें जो बहुपद की सबसे बड़ी घात, पहले बहुपद में घात का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दूसरे बहुपद में सबसे बड़ी घात 8 की है, तो घात का मान कितना हो जाएगा? 8। तो अथवा का क्वेश्चन सरल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, कर्णी 5 + कर्णी 2 के वर्ग को सरल कीजिए। तो इस प्रकार से यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन को समझाया जाएगा और सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, 1/2 के हर का परिमेय कर्ण कीजिए, 8/15 को 2/3 से भाग दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया, प्रश्न क्रमांक 11 किस चतुर्थांश में स्थित है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया, प्रश्न क्रमांक 13 35% को भिन्न के रूप में बदलिए। x = 1 x + 4 व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, 100 को 7:3 में बांटिए, 16 है कोण बनाना है। प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया, प्रश्न क्रमांक 19 कुछ इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया, प्रश्न क्रमांक 21 और प्रश्न क्रमांक 22 कुछ इस प्रकार से। 0.6 आवृत्ति को p/q के रूप में व्यक्त करके बताना है। प्रश्न क्रमांक 23 कुछ इस प्रकार। इसके बाद सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन है कर्णी 5 + कर्णी 2 का स्क्वायर। तो प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया, जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आप क्वेश्चन को मिलाते जाइए इस प्रकार से। इसके बाद 1/2 को हर का परिमेयकरण का आंसर हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8/15 को 2/3 से भाग दीजिए, तो इस प्रकार से आंसर होगा। 35% को भिन्न के रूप में बदलिए, तो इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर सरिता की वर्तमान आयु मान के चले 22 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 22 + 5 हो जाएगी। इसके बाद दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, जो आपके क्वेश्चन है, सॉल्व करके आपको समझाए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।